एक खूबसूरत से जंगल में रेचल नाम की चिड़िया और लीना नाम के कबूतर दोस्त थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कहीं पर भी जाना हो तो दोनों साथ में ही जाते थे। जो भी खाना हो तो साथ में ही खाते थे और मुसीबत आने पर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। रेचल चिड़िया, पता है आज मैं कितनी खुश हूँ? शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। क्या बात है लीना कबूतर, तुम सच में बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। मुझे भी बताओ, तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? मेरे घोंसले में मेरे खुद के अंडे हैं। बहुत जल्द वो अंडों से बाहर आएंगे और मैं माँ बनूंगी। लीना कबूतर को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके बच्चे अंडों में से कब बाहर आएंगे कहकर इंतजार कर रही थी और अपने अंडों का बहुत ख्याल रख रही थी। उसी जंगल में पिंटू नाम का एक कौवा भी रहता था। पिंटू बहुत ही लालची है। क्या करने पर पैसे आएंगे, इस विषय पर हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और कितना समय लगेगा बच्चों? मैं तुम्हारे और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें ढेर सारी बातें बतानी है और खूब खेलना है। ऐसे बातें करते हुए अपने आप में खुश होती रहती है लीना कबूतर। ऐसे काफी दिन गुजारने पर भी उसके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो अंडे अपना आकार बड़ा कर रहे थे। वो देखकर लीना रेचल से ऐसा कहती है, रेचल चिड़िया, मेरे अंडों को कुछ हो गया है, उनमें से बच्चे तो नहीं निकल रहे हैं, वो अंडे बड़े होते जा रहे हैं। ये मेरा दूसरे अंडे देने का समय है, लेकिन अभी तक यही बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूं अब? चिंता मत करो लीना कबूतर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद इनमें कोई जादू होगा, दूसरे अंडे आने पर देखते हैं, तब क्या होता है। ऐसे लीना और रेचल की बातें सुन रहा पिंटू कौवा, उसके बाद वो कैसे भी करके उन अंडों को छुरा कर अपना व्यापार करने के बारे में सोच रहा था। आहा, बड़े अंडे, इनमें कोई जादू है। इन्हें मैं जंगल के बाहर में ले जाकर जादुई जेंट अंडों के नाम से भेजूंगा, तो इनसे जो फायदा वो सोचकर ये कहते हुए वो अंडे कब अकेले रहेंगे कहकर इंतजार कर रहा था। इतने में लीना और रेचल भोजन के लिए बाहर जाने के बाद उन अंडों को चुराकर एक ट्रैक्टर में रखकर दूसरे गांव ले जाकर बेचता है। हाँ, आ जाओ भाई आ जाओ, ये विदेशी जादुई अंडे हैं। इतने विशाल अंडे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। देर किए बिना जल्दी से खरीद लीजिए। दाम ज्यादा है, लेकिन सामान भी वैसे ही अनोखा है। एक बार स्वाद देखोगे तो बुला नहीं पाओगे। ऐसे बेच रहा था, तभी लीना कबूतर घर पहुंचकर देखा तो मेरे अंडे कहाँ पर है? अभी तक तो यहीं पर थे, ऐसे कैसे गायब हो गए? ये कहते हुए रोना शुरू कर देती है लीना कबूतर। असल में क्या हुआ है, इस बात से अनजान रेचल चिड़िया भी दुखी होती है और लीना को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे लीना कितनी बार अंडे देने पर भी वो बड़े हो जाते हैं और समय देखकर पिंटू उन्हें चुराने की वजह से वो गायब हो जाते हैं। इस बात से अनजान लीना उसके बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं सोचकर दुखी होती रहती है। शायद वो सच में जादुई अंडे हैं लीना, इसलिए बड़े होने के बाद अपने आप गायब हो रहे हैं। तुम दुखी मत हो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे।
ऐसे दुखी होकर लीना कबूतर एक दिन उड़ते हुए जंगल से दूर जाती है। ऐसे जंगल के बाहर दूसरे जंगल में जाकर देखा तो बड़े बड़े अंडे एक ट्रैक्टर में भरकर भेजते हुए नजर आते हैं लीना कबूतर को। वो देखते ही, ये तो मेरे अंडे हैं, इतने बड़े हैं, इसका मतलब पक्का मेरे ही अंडे हैं। लेकिन ये इस जंगल में कैसे आए? इन्हें कौन लेकर आया है? इसका मतलब मेरे बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। ऐसे कहते हुए जल्दी से जाकर ये बात अपने दोस्त रेचल से कहती है। उसके बाद ये काम किसने किया कहकर देखा तो वो पिंटू का काम ही है कहकर पता चलता है। उसके बाद रेचल उस जंगल में जाकर वहाँ के पंछियों को सारी बात बताती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब पिंटू अंडों का व्यापार करने के लिए जाता है तब वहाँ के पंछी लीना तक खबर पहुँचते ही, तभी लीना वहाँ पर आने पर पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। ओ माँ, लगता है मेरा अंत आ गया है, यहाँ से नहीं भागा तो मर जाऊंगा रे। ये कहते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने से पहले ही वहाँ के पंछी लीना और रेचल उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद पिंटू जंगल छोड़कर दूर भाग जाता है। उसके बाद वहाँ के पंछियों को शुक्रिया कहकर उसी ट्रैक्टर में अपने अंडे लेकर जाती है लीना। ऐसे कुछ दिनों बाद एक एक अंडे में से दो तीन बच्चे निकलते हैं। उन्हें देखकर काफी खुश होती है लीना। तो ये है इनके इतने बड़े होने का राज। कोई माया नहीं है लेकिन गजब है। लीपुर नाम के गांव में सारे गांव के बैल और गाय हर साल एक उत्सव मनाते हैं और उसमें गांव के सभी बैल अपने सम्मान के लिए एक मुकाबला करते हैं। ज्यादातर उस मुकाबले में बिंबी बैल की उम्र की ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिंबी बैल उस मुकाबले के आसपास भी नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि बिंबी बैल बहुत ही कमजोर है, इसलिए उसे छोटे बच्चे भी डरा दिया करते हैं। मेरी बात मानो बिंबी, इस वक्त गांव में किसी को सम्मान की जरूरत है तो वो तुम ही हो, तभी लोग तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। मुझ में एक बच्चे से मुकाबला करने के भी हिम्मत नहीं है, मैं क्या हिस्सा ले लूंगा मुकाबले में, रहने दीजिए। वो मुकाबले में हिस्से लेंगे तो हम भी ले लेंगे, हम बिंबी से कम तोड़ी है। एक बच्चे की बात से उदास होकर वहाँ से चला जाता है बिंबी बैल और घर से बाहर भी निकलने के लिए हिम्मत खो देता है। तब बिंबी की माँ उससे ऐसे कहती है, तुम कमजोर हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, और ना ही ये तुम्हारी इकलौती जिंदगी है। तुम बदल सकते हो अपनी जिंदगी, जैसे चाहो वैसे। लेकिन कैसे माँ? मेरे पास तो एक छोटे बच्चे पास जितना भी ताकत होती है उतना भी नहीं है। तो मेहनत करो, जब तक तुम ताकत हासिल नहीं कर लेते तब तक मेहनत करते रहो, एक दिन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ठीक है कहकर बिंबी बैल दिन रात मेहनत करता रहता है। लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता है। अरे रे रे रे, मुझे तो डर लग रहा है बिंबी को देखकर, कहीं ये भाग भाग कर मिल्का और कसरत कर करके काली ना बन जाए और मुझे मुकाबले में उठा कर फटक देगा। पहले उसे मुकाबले में तो आने दो पहलवान भाई, अभी से क्यों डरा रहे हो उस बच्चे को? बिंबी बैल किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे अपने काम में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए
सबसे दूर चला जाता है और किसी को भी नजर नहीं आता है। दूसरे गाय और बैल सोचते हैं कि बिम्बी बैल सबसे परेशान होकर गाँव ही छोड़ दिया है। वैसे भी वो दीला सा कमजोर बिम्बी सम्मान के काबिल नहीं था। अच्छा हुआ जो गाँव छोड़कर चला गया, वरना मैं ही भगा देता उसे। कल ही वो मुकाबला है, कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारियां लाल? एक बार जो मुकाबला जीत कर सम्मान हासिल कर लेता है, उसे दोबारा मुकाबले में हिस्से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक ही बार जीतने पर जिंदगी भर का सम्मान मिल जाता है, इसलिए मुकाबले में कोई कमी नहीं रहने देते हैं सब। मुकाबले में सबसे पहला हिस्सा लेने के लिए आ रहा है हमारे गांव के चाहते पहलवान और लाल। जोरदार धमाके से स्वागत कीजिए। पहलवान बैल एक ही झटके में लाल बैल को उठाकर पटक देता है। ऐसे पहलवान बैल अपने सामने आने वाले हर किसी को उठाकर पटक दे जाता है। वहां पर उससे मुकाबला करके जीतने वाला कोई नहीं था। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला दंग से कर सके? क्या इतना आसान होता है सम्मान हासिल करना? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तभी अनाउंसमेंट में बिम्बी बैल का नाम आता है। सब एकदम से हैरान होकर देखने लगते हैं और बिम्बी बैल को बिना देखे ही मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब वो आता है, उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपमानित होना कैसा लगता है और जब तुम पर हंसता है तो कैसा लगता है। ऐसे कहते हुए बिम्बी बैल पहलवान बैल को उठाकर पटक देता है। आखिर में पहलवान बैल हार मानकर मैदान छोड़कर ही भाग जाता है। आखिरकार तुम्हें भी सम्मान मिल ही गया है मेरे बच्चे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। शाबाश।